शीतलपुर पंचायत के आदिवासी टोला में लगी आग। एक परिवार के रसोई घर सहित सारा सामान जलकर हुआ राख। आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के शीतलपुर पंचायत के आदिवासी गांव में मंती मरांडी पति लक्ष्मण टुडू का रसोई घर जलकर हुआ राख। आग किन कारणों से लगी इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीड़िता के परिवार का कहना है घर में रखे खाने पीने का सामान सहित अनाज धान चावल जलकर राख हो गया। वहीं ग्रामीणों की बड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का प्रयास किया गया लेकिन तब तक घर का सारा सामान जल चुका था। वहीं पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कन्हैया कुमार उर्फ बम बम मंडल ने उक्त घटना की सूचना राजस्व कर्मचारी को दी। वहीं घटना स्थल पर पहुंचकर राजस्व कर्मचारी ने कहा कि उक्त घटना की जांच रिपोर्ट अंचलाधिकारी को दी जाएगी, सरकारी प्रावधान के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने अग्निकांड के पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधान के तहत उचित मुआवजा जिलाधिकारी से दिए जाने की मांग की है। आज जो शीतलपुर पंचायत के अंतर्गत में एक नागर आदिवासी टोला है जिसमें एक मंती मरांडी का घर रात में जो है लगभग यहीं के ग्रामीणों के कथनानुसार जो है 12 बजे रात में जो है इसमें आग लग गई थी। तो ग्रामीणों के सहयोग से जो है यह आग पर काबू पाया गया। तो हम को सुबह में सूचना मिली, हम सीओ साहब को भी फ़ोन किए और यहाँ पर आए और देखे। अभी हमारे कर्मचारी साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम यह स्थानीय प्रशासन से मांग करना चाहेंगे कि इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। घर ढक गए तो कैसे जला आगे सो गए। घर में क्या क्या था? दाल चावल सब कुछ था यहाँ पर, कपड़ा हाँ सब जल गया। कपड़ा भी था, बच्चा का भी कंबल सब जल गया। चूल्हा घर था ना तो यहाँ में हम सब कुछ रखते थे, कुछ नहीं बचा, सब जल के खत्म। मदद मांग रहे हैं सरकार से। मैं मोहम्मद साबिर, राजस्व कर्मचारी आजमनगर। तुरंत सूचना मिली हमको, इसके लिए जांच में आए हुए हैं हम। जांच करके ये स्थिति का रिपोर्ट हम अंचल कार्यालय में जमा करेंगे। सरकारी निर्देशानुसार जो भी लाभ मिलेगा इसको मिलना है।